हेलो दोस्तों, मूवी व्यूवर प्रेजेंटिंग यू टर्न। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़के को जो कि एक बाइक बहुत स्पीड से चला रहता है और उसको एक फोन आता है जो कि उसके गर्लफ्रेंड कॉल करता है। वो उसको बोलता है कि जल्दी आने के लिए। वो रास्ता का डिवाइडर हटाकर चला जाता है और वो डिवाइडर को वैसे ही वहीं पर छोड़ देता है और वो यू टर्न लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको कॉल करती है। और उसी समय एक कार बहुत स्पीड से आ रही थी और वो यू टर्न के वो जो ईंटे होते हैं उससे लिपट कर उस कार के एक्सीडेंट हो जाती है। और एक्सीडेंट होने के बाद वो कार में जो दोनों लोग बैठे होते हैं उसकी भी मौत हो जाती है। इस समय कहानी में दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जिसकी इसमें वर्णना की गई उस लड़की को। कहानी शुरू होती है फिर से एक लोग से जो कि उसकी बीवी उसको कॉल करती है और बोलता है कि उसके बच्चे को स्कूल से लाने के लिए। और वो भी बोलता है कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं जा सकता। वो फिर से न्यूटन का डिवाइडर हटाता है और उसको एक भिखारी देखता है। और जबकि वो उस डिवाइडर को हटाता है वो उस भिखारी उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट को नोट कर लेता है खाता में और वो उसको घूर घूर कर देख रही थी। और तब वो लड़का जो उस डिवाइडर का हटाया था उसने गाड़ी मोड़ कर वहीं से चला गया और उस समय उस जो भिखारी थी उसको वैसे ही ताड़ते रहते हैं। और कहानी फिर से शुरू होती है उसी लड़के की जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करती है। उसको फिर उससे फ्रेंड के साथ जाती है, उसके साथ बहुत कुछ बातचीत करती है और वो बातचीत करने के साथ उसको एक लड़के के साथ भी प्यार होने के लगता है और वो उस लड़के को देखती है और मुस्कुराती है। और तभी उसके साथ कुछ कन्वर्सेशन होता है और वो लड़के के साथ नहीं उसी के साथ करती है। कहानी फिर से चली जाती है उसी आदमी के पास जो कि यू-टर्न हटाया था। वो उसके ऑफिस में काम करता है और उसके नौकर उसे आकर कुछ खाने के लिए देता है और वो उससे कुछ बात करती है। और जबकि वो भी गुस्सा हो जाती है और वो खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वही आदमी फिर से घर आ जाता है और उसकी बीवी बच्चों के साथ भी कुछ झगड़ा हो जाता है, जबकि उसकी बीवी बोलता है कि तुम अपने बच्चे को ख्याल नहीं रखते और कुछ भी नहीं करते। और कहानी फिर से चले जाती है उसी लड़की के पास जिसका नाम आदित्य होता है और वो भी उस लड़के को कॉल करता है जो उसकी गाड़ी का नंबर उससे देते हैं आरटीओ ऑफिस वाला। जबकि वो दिखाया जाता है कहानी जो उसकी बीवी बच्चे उसके छोड़कर चले जाता है जबकि वो भी सो रहा होता है। और सोने के समय उस लड़की उसके साथ भी मीट करने के लिए आती है, जबकि दिखा जाता है वो सोने के समय उस पूछ दिखता है उसके मुंह में कुछ एक जैसा ब्लड के जैसा गिरता है और वो जैसे ही आँख खोलने लगती है दिखते कि एक लड़की उसके ऊपर जैसे सो रही होती है। और तब की वो देखने के बाद वो कुछ इस तरह के लगते हैं, वो बहुत डर जाता है और घर की लाइट फिर से ऑन करने के लिए जाता है लेकिन लाइन नहीं होता है, लाइन कट जाता है। और तब की वो मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है। मोमबत्ती जलाने की कोशिश करने के बाद उसके खिड़की के पास कोई खटखटाता है, जबकि वो देखता है कि कोई भी नहीं होता है। और उसके पास एक गुलदस्ता फूल की गुलदस्ता होती है, जबकि वो उस गुलदस्ता को लेकर घर पर आ जाती है। और आने के बाद उसकी लड़की के रूम में देखते हैं कि जो कि उसकी छोटी लड़की है उसके रूम में कोई आता है और कोई जाता है। एकदम डरावनी सीन होती है। कहानी फिर से चली जाती है उसी लड़की के पास जिसको एक आरटीओ का नंबर चाहता है जो कि यू टर्न ले आया होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि उस लड़के का जो आदमी का मौत हो जाता है उसके हाथ में चाकू होता है और वो अपने हाथ काट लेता है। और तब की पुलिस वहाँ आती है और बहुत कुछ करने की कोशिश करती है, तब की कुछ पता नहीं चलते कि और वो लड़की भी एक उसके वो जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ डेट में आ जाती है। और वो उसके घर को ड्रॉप करने के बाद पुलिस भी आ जाती है और उस लड़की को एकदम उसके घर से उठा कर ले जाती है। और वो लड़की पूछता है कि मैं क्या क्या मुझे क्यों उठा कर ले जा रहे हो, ऐसे तुम नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस उसको ज़बरदस्ती ले जाती है। और जबकि दिखाया जाता है उस आदमी का मौत हो जाता है, उसकी बीवी वहाँ पर बैठती है और उसकी बीवी को बताया जाता है कि तुम इस लड़की को पहचानते हो ये, और वो मना करती है। और पुलिस भी उस लड़की को बहुत कुछ पूछताछ करती है और उसके डायरी में जो लिखा हुआ नंबर होता है पुलिस उसे देखकर भी चौंक जाती है, यू क्यों ऐसा कर रहे है। और उसके बाद उसको वो बोलता है कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ और उनको पता नहीं विश्वास नहीं आता। और उनके पास एक जो नंबर प्लेट आया था उसको कौन दिया था उसके उस भिखारी के पास जाते हैं, उस भिखारी ने उसको ही नंबर प्लेट दिया था और उसने उसको पैसा दिया था। उस भिखारी को बहुत मारा जाता है और उससे सच बोलने के लिए बोला जाता है, तब कि वो कुछ भी नहीं बोलते। और इंस्पेक्टर उस लड़की को बोलता है कि तुम जिस जिस के नंबर प्लेट के नाम लिखा हो वो सब मर चुके होते हैं। और वो फिर से जाते हैं एक लॉयर के पास जिसका मौत आज होने वाला है। और वो लॉयर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे
हमारे घर पर नहीं घुस सकते, मैं तुम्हारे नाम में कंप्लेंट करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बहुत गुस्सा हो जाता है। और जैसे कि उसके साथ उसके माँ और एक छोटी बच्ची होती है, जबकि वो आदित्य और उस इंस्पेक्टर आते हैं तब की ऊपर से उसकी लाश टपक पड़ती है और वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर से सुबह होती है और उस पुलिस उस कंप्लेंट में आती है और देखती है, बहुत कुछ करने की कोशिश करती है लेकिन उसको कहाँ पर जो कोई प्रूफ नहीं मिला होता। और सुबह होने के बाद उसकी माँ भी जाती है और बोलते हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और ये सब देखने के बाद ये लड़की बहुत डर जाती है और उस अगले दिन ऑफिस आता है और बहुत अपसेट होता है। जबकि वो लड़का उसके साथ डेट करने के लिए पूछता है, वो सीधा सीधा मना कर देते हैं, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। अभी से वो लड़की सब कुछ जैसे कि मैंने जैसे कि वो सब कुछ को खोदने के लिए लगती है और वो उसकी माँ को फ़ोन करता है। उसे लगता है कि उसके भाई ये सब कर रहा है जो कि मर चुका है, उसका नाम है राघव और वो भी एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, जबकि वो उन दोनों ने एक कार को चलाए कर आए थे। और जबकि वो उसी डिवाइडर के पास उन लोगों के बीच मौत हो गई थी और वो उसके लॉकेट को देखकर उसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही थी। और तब की वो उसकी माँ भी उससे बात कर रही थी। और वो भिखारी अगले दिन उस लड़की को हाथ के पकड़ ला और वो बोला कि अगले दिन तुम्हारी मौत होगी। और वो तभी वो लड़के देखते हैं कि वो दोनों लड़के आते हैं और उस डिवाइडर को हटाते हैं, लेकिन उस लड़के उन्होंने बात करने के लिए कहते हैं लेकिन वो बदतमीज लड़का उनको बात में नहीं सीरियस लेती। उसके बाद वो उस लड़की भी गुस्सा कर उसी डिवाइडर में को हटा दिया और उसी यू टर्न लिया, क्योंकि वो जानना चाहते हैं इसके पीछे कौन है। और उसके बाद वो लड़की उसी यू टर्न में चला गया और वो जाकर पुलिस को बताया कि आज भी दोनों लोग उस यू टर्न ले, उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खतरा है और तुम उनको बचा लो। लेकिन पुलिस उन्हें नहीं कुछ करते, वो जो आदित्य होते हैं इंस्पेक्टर वो उस उन लोगों को आकर जेल में बंद कर लेते हैं। और तब कि वो देखता है कि एक लड़का उनमें से आँख खोल जाता है और वो उठकर उनको उनके भीतर मारधाड़ होने लगते हैं। और तब की लाइन चला जाता है और जो वो देखता है कि उसके दोस्त को भी उन्होंने मार दिया होता है। और तभी वो लड़का एक हाथ में एक चाकू जैसा एक कांस को लेकर जाता है और वो उसी लड़की के ऊपर एक गन लगा देता है। और तब की वो उसके पार्टी में गन घुसा कर अपनी मौत। और ये सब देखने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और इंस्पेक्टर भी उस आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तभी लड़की घर पर आती है, आकर फ्रिज में से कुछ खाना लेती है और जबकि वो नहाने जाती है उसको कुछ शक हुआ, जबकि वो दरवाज़ा खोल कर देखा उसके मरा हुआ भाई वहाँ पर खड़ा था। तब कि उसको एक पेन ड्राइव मिला जिसमें ये दिखाया गया कि लिफ्ट में भी एक लोग उसके साथ उसने खुद को मार दिया। और उसने फिर से अगले दिन ऑफिस गया और तभी वो कुछ गिर गया उसका, तभी वो जब भी नीचे देखा हुआ था जबकि उसका भाई का जो मौत का जो सीन था उसको देखा गया, तभी वो देख कर बहुत ज़्यादा डर गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता दिया। जबकि उसने रात में सोया होता है तभी उसे सपने में ऐसा कुछ सीन आ जाता है, जबकि वो रोड पर आकर सो जाती है और वो जो इस रोड पर जिसने से भी सारे लोग मरे हुए थे उसके पीछे सब खड़े होते हैं। और वो देखता है कि उसी दिन जिस दिन उस भाई का मौत हुआ था, और तभी वो देखता है कि उसकी हालत भी कुछ इस तरह का हो सकती है। और तभी वो अपने भाई से मिला और उसके भाई ने उसको बता दिया कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं कुछ किसी को भी नुकसान नहीं करना चाहता। जबकि उसके बहन को और ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है, जबकि वो आदित्य के घर जाती है और वहाँ पर कुछ इस तरह का तस्वीर दिखता है जिसको देखने के बाद वो भी एक उस मैंने इस मर्डर के पीछे कौन है उनको ताड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। जबकि एक लड़के एक औरत की पूछा पूछते हैं जबकि उसको उसकी पता कहीं पर नहीं मिलती। और तभी दिखाया जाता है कि उसकी बॉयफ्रेंड एक आधार कार्ड की तरह फाड़ दिया था। और उसके बाद उन्होंने उस औरत की भी बहुत जांच की लेकिन इतने जांच करने के बाद उस औरत की भी कुछ भी एक भी ठान नहीं मिली। और वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने जाने के बाद वे रास्ते पर खड़े हुए एक चाय वाला से चाय समोसे लेते हैं और उन दोनों के बीच कुछ बात होती है, वही जो होता है जो हाबिलदार उसके और उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बात होती है। तभी उनको एक क्ल्यू मिल जाता है और वो ज़्यादा शक हो जाते हैं, एक दूसरे को कल करते हैं। जबकि कल करने के बाद देखते हैं कि उस आदित्य का भी एक्सीडेंट हो जाता है और ये देखने के बाद ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके सिर को भी किसने पीट दिया होता है और उसको लेकर चले जाते हैं। जबकि वो आँख खोलता है देखता है कि उसी इंस्पेक्टर को जिसने उनके साथ चाय समोसा खाए थे और इस सब मर्डर के पीछे उसी का ही आता है। ये सब सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई
और उस इंस्पेक्टर ने बताया कि किस किस को किस तरह मारा। उसने जलेबी में कुछ ऐसा ड्रग्स मिलाया गया था जिसमें से वो फास्ट आदमी का मौत हो गया था, और उसके बाद उसने वो चाय में भी कुछ मिलावट कर दी थी जिसके बाद उन दोनों दोस्त की भी मौत हो गई, और तीसरे बार इसको छत से एकदम ठेल दिया जबकि इसका भी मौत हो गई। और ये सब सुनने के बाद ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और तबकि ये बताता है कि मेरी भी ऐसी कुछ हालत हुआ था और वो यू टर्न में डिवाइडर हटा देने के बाद मेरी बच्चे की भी मौत हो गई थी, मेरी वाइफ की भी मौत हो गई थी, और उसके बाद उसको भी ड्रग्स के इंजेक्शन देने के लिए दिया था, और जबकि वो लड़की वहाँ से दौड़कर भागने निकली और तभी उसके उसका पेट को भी काट लिया, लेकिन तभी वो लड़की हार नहीं मानी थी और तभी वो दौड़ दौड़ कर ऊपर चले आया, और तभी वो उस लड़की को बताया था कि तुम्हारा तरीका गलत है, ऐसा मत करो। और लड़की बताता था कि मैं तुम्हें पहले से जान गया था जबकि तुम्हारे पॉकेट से कुछ इस तरह का टैबलेट निकला था। और तभी वो उसको लड़की इमोशनली एक जो भी बात करता है वो आदमी बहुत ज़्यादा सुधर जाता है, और ये सब होने के बाद वो आदमी दुख से एकदम सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है, और तभी वो वहाँ पर जो खड़ा होता है तभी वहाँ से गिर जाता है और उसका से वो सुसाइड हो जाता है और वो मर चुका होता है। दोस्तों कहानी इस पर भी ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद उसको अपना बॉयफ्रेंड मिल गया और बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सारे बात करने लगे, और कुछ समय के बाद कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि वो जो डिवाइडर हटाया था उसने उसके लड़की के लड़के बॉयफ्रेंड ने हटाया था, जिसके वजह से उस जो इन जो हाबिलदार की उसका जो बेटी और उसकी बीवी की मौत हो जाती है।